नमस्कार मित्रों, आज शुभ दिन मंगलवार को श्री हनुमत धाम तीर्थ स्थल विकास नगर के पावन पुण्य प्रांगण में श्री मान श्री अध्यक्ष श्री विष्णु महावर जी के द्वारा शुभारंभ की गई एक नई उद्घोषणा, एक नई चर्चा, चाय पर चर्चा के दौरान सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमान श्री विष्णु महावर जी को जो अध्यक्ष भी हैं श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र के, सर्वप्रथम यह शुभारंभ कराने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विषयों पर प्रश्नोत्तरी चर्चा के लिए जो अहम स्थल आपने प्रदान किया है वह भारत को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सतत एक संपर्क अभियान बनेगा। मैं विकास नगर वासियों से और देशवासियों से अपील करता हूं कि श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र के पावन पुण्य प्रांगण में पधारकर आप चरणबद्ध तरीके से चलने वाली हमारी इस चाय पर चर्चा पर में हिस्सा लें, इसके सहभागी बने, इसमें सहभागिता करें, आपको बहुत आनंद आएगा। आज मैंने स्वयं इसमें चाय पर चर्चा वाले कार्यक्रम में आज जो विषय था वह था विद्या और शिक्षा में जो मूलभूत अंतर है उस पर प्रश्नोत्तरी चर्चा हुई, जिसमें श्रीमान श्री रुद्र बहादुर थापा जी जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र के, बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने अदा की। मेरे मित्र हैं भाई राहुल सिंह, वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना क्या हमारा ये कहिए, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, उनकी भूमिका भी अत्यंत सराहनीय है। आज की चर्चा बड़ी सद्भावपूर्ण वातावरण में और अच्छे विचार विमर्श के साथ संपन्न हुई। आगामी सत्र में हम आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, जिसमें दो बहुमूल्य चर्चाएं इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, पहले जीवन का उद्देश्य और विद्या और शिक्षा। तो जो भी हमारे दर्शक व्यूअर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अगर ये व्यूज और अपनी भावनाओं का और अपने विचारों का प्रक्षेपण अगर संपूर्ण राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं तो चाय पर चर्चा में हिस्सा लें। श्री विष्णु महावर जी का मैं एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने जो श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र का मंच प्रदान किया है और स्वयं भी इस चर्चा में हिस्सा लिया, वो बधाई के पात्र हैं। एक लंबा अनुभव है उनका धार्मिक क्षेत्र में। मैं वैसे पेशे से जो है ये व्यापारी हूँ, मेरा रेडीमेड का गारमेंट्स है, चौक बाजार विकास नगर पर मेरी शॉप है चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट्स पर। आज जो चाय पर चर्चा के दौरान एक बहुत ही सुंदर कॉम्प्लीमेंट वहाँ के अध्यक्ष श्री हनुमत धाम तीर्थ स्थल के अध्यक्ष श्रीमान श्री विष्णु महावर जी ने मुझे प्रदान किया वह अत्यंत ऊंचाई प्रदान करने वाला है, जो कि मेरी एक तरह से कह लीजिए आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाकर के उसको और ऊंचाई प्रदान करेगा। बोध और चेतना के इस उत्सव की वेला में आप अपने बोध और चेतना के स्तर को अगर ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र पर पधारें और चाय पर चर्चा पर हिस्सा लें। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि आपको अपना नाम और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं वो विषय आपको श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान श्री विष्णु महावर जी को बताना होगा पहले, और इसके अतिरिक्त आप श्रीमान श्री रुद्र बहादुर थापा जी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये दूर लगते हैं तो आप सबसे निकट चौक बाजार विकास नगर पर मेरी शॉप है चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट्स, वहाँ पर आप आकर के मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना विषय बता सकते हैं। और कैनाल रोड पर हमारे मित्र वरिष्ठ युवा पत्रकार भाई राहुल सिंह जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, आप उनसे संपर्क करके वहाँ पर भी अपना विषय दे सकते हैं। हम उसको अपने चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो आपके विषयों को उसमें हम सम्मिलित करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि उन पर
एक विशुद्ध वातावरण में श्री हनुमत धाम के पावन पुण्य तीर्थ क्षेत्र में विशुद्ध चर्चा हो, परिचर्चा हो, प्रश्नोत्तरी चर्चा हो, और इससे साहब कम से कम 110 करोड़ हिंदुओं को जो लाभ पहुंचेगा वे अभूतपूर्व होगा। तो आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए हमारे श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर, और लाला चिदांश अग्रवाल के साथ चंद्रकांता रेडीमेड गारमेंट विकास नगर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता।